प्रयागराज हिंसा में पुलिस की कार्रवाई जारी है। हिंसाग्रस्त अटाला इलाके के आसपास रहने वाले 200 से अधिक लोगों के मोबाइल रडार पर हैं। इसके साथ ही इलाके में सन्नाटा पसरा है। दुकानों और कई घरों पर ताले लटके हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, प्रयागराज हिंसा के 4 दिन बाद भी आज अटाला इलाके में सन्नाटा पसरा है। गलियों में चर्चा कर रहे निवासियों ने बताया कि व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। डर की वजह से लोग दुकानें नहीं खोल रहे और न ही खरीदार आ रहे हैं। इस इलाके के आसपास रहने वाले 200 से अधिक लोगों के मोबाइल रडार पे हैं। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक घटना से 2 दिन पहले अटाला इलाके में कई मोबाइल फोन पर काफी रात तक बातचीत होती रही। इन सभी बातचीत के कारण का पता लगाया जा रहा है। पुलिस इन सभी मोबाइल फोन को ही बातों को सर्विलांस के जरिए पता लगाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही इलाकों में माहौल शांतिपूर्ण करने की कोशिश की जा रही है। अटाला के स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस और प्रशासन माइक से अनाउंसमेंट कर दुकानें खोलने के लिए कहा जाना चाहिए, तभी सब दुकान खोलेंगे। अटाला के रहने वाले कुछ लोगों ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाया है। कुछ का यह भी कहना है कि उनके बच्चों जो बिना बताए पुलिस हाजिर होने के लिए बोलकर गई है, जबकि वह हिंसा में नहीं थे। हिंसा वाले इलाकों में अवैध दुकान और घरों पर बुलडोजर एक्शन का खौफ इस कदर है कि लोग घर दुकान खाली कर रहे हैं। मजीदी इंटर कॉलेज की जमीन पर बनी दुकानों को कोई नोटिस नहीं मिला, लेकिन दुकानें खाली हो रही हैं। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई। गलियों से निकलकर पत्थरबाजी की गई। पुलिस अब हर एक उपद्रवियों की कुंडली खंगाल रही है। हर आरोपी की अवैध संपत्ति की लिस्ट बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।